दिल्ली के बादशाह शाह आलम के समय तक अंग्रेज अपने को बादशाह की प्रजा कहा करते थे। गवर्नर जनरल की मोहर पर भी दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक शब्द लिखे रहते थे। जब भी कोई अंग्रेज अफसर, चाहे वो गवर्नर जनरल ही क्यों ना हो, शाह आलम के दरबार में जाता था तो अदब के साथ खड़ा होता था और उन्हें भेंट देता था। सन 1785 में महाराजा माधोराव सिंधिया ने दिल्ली पर अपना प्रभाव जमा लिया था। मुगल सम्राट के सारे अधिकार माधोराव सिंधिया के पास आ गए थे और इसके बदले शाह आलम को केवल 6 लाख रुपया सालाना दिए जाने लगे। शाह आलम सिंधिया परिवार के व्यवहार से कितना खुश था, इसका परिचय सम्राट की एक कविता से मिलता है, जिसका अर्थ है, माधो जी सिंधिया जो मेरे जिगर का टुकड़ा और मेरा बेटा है, मेरे दुखों को दूर करने में लगा हुआ है। कंपनी के जनरल मार्क्विस विलिसली ने फूट डालकर अपना काम निकालने की नीति में अब तक काफी सफलता पाई थी। यहां भी उसने यही किया। मुगल बादशाह शाह आलम को उसने मराठों के खिलाफ भड़काया और इस तरह दिल्ली मराठों से खाली हो गई। दिल्ली पर कंपनी की सेना का अधिकार हो गया। बादशाह शाह आलम के खर्च के लिए 12 लाख रुपए सालाना दिए जाने लगे। उधर अवध में अंग्रेजों ने नवाब वजीर अली को कैद करके बनारस भेज दिया और उसकी जगह सादत अली को नवाब बना दिया। सादत अली और अंग्रेजों के बीच चिरस्थायी दोस्ती की संधि लिखी गई, लेकिन जल्दी ही अंग्रेजों का दबाव बढ़ने लगा। सादत अली के सभी अधिकार और आमदनी के जरिए छीने जाने लगे। नवाब सादत अली ने कंपनी के रेजिडेंट मिस्टर स्टॉक के जरिए जनरल वेलेसली को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि कंपनी सरकार अपनी ही शर्तों को तोड़ रही है। लेकिन वेलेसली ने कहा, नवाब का यह खत इतने गुस्ताखी भरे शब्दों में लिखा हुआ है कि मैं इसे लेने से इनकार करता हूँ। यह खत नवाब को वापस कर दिया जाए और अगर नवाब ने फिर भी इसी तरह अंग्रेज सरकार की इंसाफ पसंदी और ईमानदारी पर शक जाहिर किया तो उसे सजा दी जाएगी। अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह मराठों को कमजोर कर दिया जाए। महाराजा दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर दो ऐसे वीर थे जो उनकी आंख का कांटा बने हुए थे। अंग्रेजों ने जब इन दोनों के खिलाफ चालें चली तो ये दोनों एक हो गए। इस पर अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने पहले दौलत राव सिंधिया से संधि की और ताप्ती और चंबल के बीच में सिंधिया ने जो इलाका जीता था वो उनका ही मान लिया गया। चंबल नदी महाराज सिंधिया के राज्य की सीमा मान ली गई। इसी तरह जसवंत राव होलकर से भी संधि कर ली गई। ताप्ती और गोदावरी के दक्षिण का सारा इलाका होलकर को वापस दे दिया गया। दक्षिण भारत में एक वीर जाति थी, पिंडारी। अंग्रेज इतिहास लेखकों ने वीर पिंडारियों के चरित्र पर अनेक झूठे इल्जाम लगाए और उन्हें डाकू और लुटेरा कहकर बदनाम किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि पिंडारी दक्षिण भारत की एक पठान जाति थी। पिंडारी दक्षिण भारत के राजाओं की सेवा में सवार हुआ करते थे। इनके पास अपने घोड़े होते थे। नसरू खां पिंडारी शिवाजी का एक विश्वस्त जमादार था। होलकर और सिंधिया की सेनाओं में भी हजारों पिंडारी योद्धा और सरदार मौजूद थे। हीरा खां पिंडारी और बुरान खां पिंडारी माधोजी सिंधिया के दो विश्वस्त और योग्य सेनापति थे। दौलत राव सिंधिया की सेना में भी सरदार चीतू खां और करीम खां पिंडारी थे, जिन्हें नवाब की उपाधि मिली हुई थी। होलकर राज्य में रहने वाले पिंडारी होलकर शाही और सिंधिया के राज्य में रहने वाले सिंधिया शाही कहलाते थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की ताकत को कम करने के लिए पिंडारियों को नष्ट करने का निर्णय लिया।
अंग्रेजों ने उन्हें लुटेरा और डाकू कहा, उनमें फूट फैला दी और इस तरह आपसी झगड़ों में उलझाकर उन्हें खत्म कर दिया गया। दिल्ली में शाह आलम की मृत्यु के बाद उसका बेटा अकबर शाह गद्दी पर बैठा, पर जैसी कि अंग्रेजों की नीति थी, उन्होंने उससे जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने से वे मुकर गए। अकबर शाह ने अपनी शिकायतों को इंग्लैंड के दरबार में पहुंचाने के लिए राजा राम मोहन रॉय को भेजा, पर वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंग्रेजों का प्रभाव बराबर बढ़ रहा था। कंपनी ने मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स को कंपनी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। उसने अपना पद संभालने के बाद एक नया काम शुरू किया, भारत के उद्योग धंधों को नष्ट करना और भारत के धन से इंग्लिस्तान के उद्योग धंधों को बढ़ाना। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसमें कहा गया था कि इंग्लिस्तान का बना हुआ माल भारतवासियों के सिर मढ़ा जाए और भारत के प्राचीन उद्योग धंधों का नाश किया जाए। भारत की भयंकर दरिद्रता और गरीबी की कहानी यहीं से शुरू होती है। सूरत में बनने वाले कपड़े और जुलाहों के साथ क्या होता था, उसका हाल एक अंग्रेज लेखक रिचर्ड्स ने लिखा है। अब तुम ये कपड़ा सिर्फ हमको बेचेगा, कंपनी का रेजिडेंट व्यापारी ही इसको खरीदेगा, हम इसकी चौकी में देगा, वही तुम्हें लेना पड़ेगा। नहीं, हम तुमको नहीं बेचेंगे, इस कपड़े के हमको बहुत दाम मिलते हैं। तुम 10 रुपए का माल 1 रुपए में खरीदते हो। क्या बोला, कंपनी के खिलाफ बोलता? नहीं बेचूंगा कपड़ा, मैं अपना धंधा छोड़ दूंगा, लेकिन कंपनी को कपड़ा नहीं दूंगा। जुलाहों से इतनी जबरदस्ती की जाती थी, इतनी सजाएं दी जाती थी कि न जाने कितने जुलाहों ने अपना पेशा छोड़ दिया, पर उन्हें पेशा छोड़ने से भी रोका जाता था। बंगाल में भी इसी तरह के जुल्म जुलाहों पर हो रहे थे, मगर वे उतना काम नहीं कर पाते थे जितना कंपनी के गुमाश्ते जबरदस्ती उन पर मर देते थे। इसीलिए उनका माल असबाब लेकर भी उसी जगह नीलाम कर दिया जाता था। कच्चे रेशम के धागे लपेटने वालों पर इतना जुल्म किया जाता था कि कई जुलाहों ने उन जुल्मों से तंग आकर हाथों के अंगूठे तक काट दिए, जिससे रेशम का धागा न बनाना पड़े। धीरे धीरे भारत का कागज उद्योग, चीनी उद्योग, भारतीय जहाजरानी, लोहा उद्योग आदि सभी नष्ट कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज सरकार की कोशिशों का ये फल निकला कि भारत संसार का एक गरीब देश बन गया। भारत के प्राचीन उद्योग केवल इतिहास की बात बनकर रह गए। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जहां भारत के उद्योग नष्ट किए, दौलत को लूटा, वहीं ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ाने की उसकी भूख भी बराबर बढ़ रही थी। वो मराठों की ताकत को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। उस समय पूना में बाजीराव पेशवा का शासन था। अंग्रेजों ने दोस्ती के नाम पर उससे धोखा किया और युद्ध का बहाना ढूंढने लगे। 30 अक्टूबर 1817 को अंग्रेजों की सेना ने पूना के पास डेरा डाल दिया। मराठों ने समझ लिया था कि अंग्रेज अब तक दोस्ती की जो बातें कर रहे थे वे सब झूठ थीं। वे तो युद्ध ही करना चाहते हैं। बापू गोखले पेशवा की सेना के प्रधान सेनापति थे। वे एक अत्यंत देशभक्त, युद्ध कुशल और वीर सेनापति थे। 5 नवंबर 1817 को खड़की के पास मराठों और अंग्रेजों की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ, लेकिन बालाजी पंतनाथ और यशवंतराव घोरपड़े जैसे विश्वासघातियों के सामने बापू गोखले की सेना कहां टिकने वाली थी। बापू गोखले अंत समय तक अंग्रेजों से मुकाबला करते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेज जानते थे कि मराठे सरदार इतनी जल्दी पेशवा के शासन का अंत नहीं होने देंगे, इसलिए उन्होंने बाजीराव के खिलाफ
एक और चाल चली। सतारा के नाबालिग राजा प्रताप सिंह की मां को उन्होंने वादा किया कि पूरे मराठा साम्राज्य के वास्तविक अधिकारी के रूप में उसने ऐलान जारी कर दिया। सुनो सुनो सुनो, शिवाजी महाराज के वंशज सतारा के राजा प्रताप सिंह का ऐलान सुनो। अंग्रेज हमारा दोस्त है, बाजीराव पेशवा से कोई किसी तरह का संबंध ना रखे, पर आम और खास का फर्ज है कि इस लड़ाई में वो अंग्रेजों की मदद करे। इस ऐलान से बाजीराव पेशवा की स्थिति काफी कमजोर हो गई। उसने मजबूर होकर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली।